दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों आज की वीडियो में डेडिकेट करता हूं अपने उत्तराखंड के सभी भाइयों, माताओं, बहनों सबको। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे केवल 2 मिनट मांग रहा हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको किसी ने शेयर की है तो आप समझिए कि वो इस बात से, इस वीडियो से प्रभावित होके ही इस वीडियो को आपको शेयर कर रहे होंगे। दोस्तों अगले 2 मिनट में आपसे क्या कहना चाह रहा हूं आपको पता चल जाएगा। आप ये सोच के इस वीडियो को यहीं पे मत रोक दीजिएगा कि ये बोरिंग लेक्चर होने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। निवेदन है एटलीस्ट 2 मिनट इसको जरूर देखें ताकि आप समझे मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ और वो कितना जरूरी है हम लोगों के लिए। दोस्तों ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो उत्तराखंड से किसी वजह से दूर रह रहे हैं, जॉब या किसी भी वजह से, ये उनके लिए भी है जो उत्तराखंड में रहते हुए भी अपने उत्तराखंड, अपनी देवभूमि से दूर है। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज काफी प्रचलित है, काफी वायरल हो रहा है। उसमें लोगों ने निवेदन किया हुआ है कि अगर आप हिंदू हैं तो अपने बच्चों को एटलीस्ट ये हैबिट डालिए, आदत डालिए कि वो डेली मंदिर जाया करें, मंदिर के दर्शन करें, ताकि वो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से रूबरू हो, उनको पता चले अपने गॉड्स के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में वो जाने। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल टेलीविजन या बाकी जो भी टेलीविजन है उनका ये बहुत आभार है कि उन्होंने इतने सारे टीवी सीरियल्स बनाए हैं जिनकी वजह से हमारे देश का बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा भी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महादेव सबके बारे में जानता है। पर क्या दोस्तों हम या हमारे बच्चे अपने इष्ट देवता के बारे में जानते हैं? हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं क्या, जो उत्तराखंड के हमारे इष्ट देवता हैं, जो ग्राम देवता हैं, जो हमारी कुलदेवी है, क्या हमारे बच्चे उनके बारे में जानते हैं? नहीं जानते। तो दोस्तों ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बच्चे अपने इष्ट देवता, अपने ग्राम देवता, इनके बारे में जाने, न केवल जाने, उनकी पूजा करें, अर्चना करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि कभी भी गाँव में जब जागर लगती है, दोस्तों एक और चीज जो भी व्यूअर है, जो यंग है, जिनको कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो मेरा निवेदन है आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी या आमा बूबू, नाना नानी, उनके साथ बैठें और उनसे डिस्कस करें इन बारे में, तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। इवन आपके जो पेरेंट्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी कि बच्चे एटलीस्ट उनसे उनके इष्ट देवता के बारे में या गांव के बारे में ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इस तरह के टॉपिक पे डिस्कशन करें। तो दोस्तों आप करिए एक बार, जरूर अच्छा लगेगा। तो ऐसे जो आपने देखा होगा गांव में जागर लगती है या आप किसी पुजारी के पास जाते हैं किसी दुख भरे लम्हों में, तो वो आपको बताते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में भी आपके ऊपर आपकी इष्ट देवता की छाया है। तो ये इष्ट देवता कौन है, ये इष्ट देवता क्या करते हैं, इनका रोल क्या है, वो आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए। दोस्तों कैसी भी मुश्किल की घड़ी हो, सबसे पहले इष्ट देवता ही आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, उनकी छाया आपके ऊपर हमेशा रहती है। तो हमें अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहिए, उनको हमेशा याद करना चाहिए और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता को भी पूजना चाहिए। दोस्तों जब हमें मौका मिले, साल में, 2 साल में एक ना एक बार हमें अपने गाँव जाना चाहिए, अपने देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ये तो रही दोस्तों एक बात। दूसरी बात, ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो, मैं भी उनमें से एक हूँ, क्योंकि मैं भी गांव जाता हूँ, बीच बीच में दर्शन करता हूँ, गोलू देवता जी, सेम देवता जी के मंदिर में जाता हूँ, वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पर दोस्तों मैंने खुद सोचा, मैंने जब सोचा कि हम मंदिर जाते हैं बड़े आस्था के साथ, वहां पूजा करते हैं, बट उनके बारे में क्या हमें पता होता है? क्या आपने सेम देवता के मंदिर आप गए होंगे कई बार, क्या आप जानते हैं सेम देवता कौन थे, वो उत्तराखंड में कैसे आए, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, उन्होंने क्या किया हमारे क्षेत्र के लिए, क्यों उनकी पूजा की जाती है? नहीं, हम बस जाते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स पूजा करते हैं तो हम भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों हमें ये इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट वीडियो को पास करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आगे से आगे बस केवल जाके हाथी जोड़ते रह जाए और उन्हें पता ना हो अपने इष्ट देवता के बारे में। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं। दोस्तों अपने बच्चों को बताएं हमारे गोलू देवता के बारे में, गंगनाथ देवता के बारे में, हरजू के बारे में, नरसिंह जी के बारे में, सेम देवता के बारे में, सेम मुखेम देवता के बारे में। दोस्तों ये हमारे ग्राम देवता है, हमारे कुल देवता है, हमारे भूमि देवता है, इनके बारे में हमारे बच्चों को, सबको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारे गोलू देवता है, चलिए सबसे पहले मैं गोलू देवता की बात करता हूँ। हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे गोलू देवता हैं जो न्याय के देवता समझे जाते हैं, जिनका न्याय दंड इतना प्रबल है कि आज भी उत्तराखंड में जो हमारा कुमाऊं रीजन है वहां पे गोलू देवता के न्याय का इतना खौफ है कि लोग कभी किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं करते। इवन अगर कोई अन्याय करता भी है तो वो गोलू देवता के न्याय के खौफ से इतना प्रभावित होता है कि उसे
पे करना पड़ता है, अपने अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण मैंने खुद देखा है। जब मैं गांव गया था तो नियरेस्ट गांव में एक घटना घटी थी जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, बड़ी जल्दी जल्दी रैपअप करूंगा। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि दो पार्टियां थी, एक जो काफी धनी लोग थे तो उन्होंने क्या करा था, अपने घर का काम लगा रखा था, और गांव में ऐसे एक दो परिवार और भी थे जिनके पास केवल गुजारे के लिए मवेशी होते हैं, गाय या भैंस होती हैं, और कुछ टाइम ऐसा होता है कुछ जो गाढ़ा वक्त बोलते हैं जिसमें उनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं होता तो उसमें वो मजदूरी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने काम पे रखा हुआ था, और जब फाइनली पे करने की बारी आई तो जब उन्होंने पेमेंट की तो वो पेमेंट कुछ कम की गई, और पता नहीं गलतफहमी थी या क्या था, पर वो पेमेंट कम की गई। और जब सामने वाली पार्टी ने उनसे बात की जो गरीब थे, उन्होंने बोला कि भैया आपने हमें कम पे किया है, हमने आपके वहां ज्यादा दिन काम किया है, तो इन्होंने दो टूक शब्दों में बोल दिया कि भैया आपने इतना ही काम किया, आपको इससे ज्यादा पैसे हम नहीं देंगे, आपको कंप्लेंट करनी है आप थाने में जाइए, पटवारी से कंप्लेंट कर दीजिए। तो सडनली जो गरीब थे उन्होंने, उनका बस एक ही रिप्लाई था कि थाने हमें नहीं जाना, हमें पटवारी के चक्कर में नहीं पड़ना, हो सकता है हमसे गलती हुई हो, हम अनपढ़ हैं पर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम दोबारा हिसाब उनसे करवाएंगे, इन केस अगर आपकी गलती निकली तो हम कल सुबह चितई गोलू मंदिर में जाएंगे, वहां जाके आपकी कंप्लेंट करेंगे। बस दोस्तों बस इतना बोलना था कि जिसने जो दूसरी पार्टी थी जिसने उनके पैसे कम दे रहे थे, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, नेक्स्ट मॉर्निंग वो पैसे उनके घर पहुंच गए। तो दोस्तों ये प्रभाव है उनकी न्याय दंड का कि लोग अपनी मिस्टेक खुद ही स्वीकार कर लेते हैं, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि न्याय की देवता गोलू देवता का न्याय दंड बहुत प्रबल है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना आ रहा हो तो आप सर्च करके देखिए, गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों इनका न्याय दंड इतना फेमस है कि जो वहां के मंदिर है वो उन मंदिरों को भी दूसरे नामों से जाना जाता है। जैसे चितई का गोलू मंदिर है उसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो दूसरा जो घोड़ा खाल में इनका गोलू देवता का मंदिर है उसे हाई कोर्ट बोलते हैं, और तीसरा चंपावत में है जो गोलू देवता का मंदिर उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए जो हमारे इष्ट देव है, जो हमारे देवता है, वो कितने, उनकी शक्ति कितनी अपार है। जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनके साथ तो उनका साथ रहता ही है, पर जो उत्तराखंड से बाहर भी हैं उनके ऊपर भी उनका साया बना रहता है। दोस्तों तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट पीढ़ी को अपने इष्ट देवता के बारे में, अपने ग्राम देवता के बारे में, सबके बारे में बताना चाहिए। दोस्तों ऐसे चमत्कारी देवी देवता हैं हमारे जिनके बारे में हम या तो खुद नहीं जानते या अपने बच्चों को नहीं बताते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से मैंने शायद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पास की हो, और मैंने काफी सर्च किया है, काफी रिसर्च करने के बाद मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं आप में से एक ही था जिसको कुछ पता नहीं था। तो दोस्तों अभी मेरे पास ढेर सारी नॉलेज है इस बारे में, आप अपने पेरेंट्स से पता कीजिए अपने इष्ट देवता के बारे में, अगर आपको पता हो उनके बारे में, आपको जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना और अपने इष्ट देवता के बारे में बताइए, मैं उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ उनका जन्म हुआ था और कैसे उन्होंने, उनकी जो लीलाएं थी वो कैसे उन्होंने अपने उत्तराखंड में क्या क्या लीलाएं रची थी। तो दोस्तों अभी मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बात अगर आपको प्रभावित की हो, आपके हृदय को छुई हो, तो प्लीज इसे और लोगों तक शेयर करें। जय उत्तराखंड, जय गोलू देवता, जय इष्ट देवता, जय ग्राम देवता, नमस्कार।